ऐसी एक ऐसी जगह है ये जो यहाँ पे अगर एक रुपया डालते हैं अंदर और उसके बाद यहाँ पे कान लगा के सुन रहेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ की एक और शानदार जगह पे घूमने के लिए जिसे कहा जाता है तारागढ़। तो लगभग हमें 1.5 घंटा लगेगा ऊपर चढ़ने में, क्योंकि ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हम। तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें 1/2 घंटा तो हो चुका है, लगभग 1 घंटा और लगेगा, इतनी सीढ़ियाँ यहाँ पे। तो आज देखिए यहाँ का व्यू, अभी हम ऊपर पहुँचे नहीं है, अभी ऊपर और जाना है अभी हमें सीढ़ी चढ़ के, लेकिन यहाँ से सब कुछ दिखता है, पूरा आना सागर और पूरी अजमेर दिख रही है यहाँ से। तो गाइस, अभी हम और ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का जो व्यू है यहाँ से और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जूते चप्पल हमें यहाँ पे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हम दरगाह के अंदर को ऊपर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे जूते चप्पल मिले वो जो हमें हाथ में लेने पड़ेंगे मजे वगैरह, और दरगाह के ऊपर जाके फिर वापस पहनेंगे। तो यहाँ पे कीचड़ भी हो रहा है गाइस, यहाँ पे पानी आ रहा है, ये दरगाह दिख रही है, यहाँ से गाइस हम अंदर जाने वाले हैं, तो चलते गाइस ऊपर। तो गाइस देखिए यहाँ का जो रास्ता है, कितना सीढ़ी चढ़ने के बाद कितना पत्थर आ गए हैं, पत्थर चढ़ के ऊपर जाना है। ये रास्ता देखिए, अभी और सीढ़ी चढ़ने गए, सभी थक चुके बहुत ज्यादा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और यहाँ का जो व्यू गाइस वो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, अपन और थोड़ा ऊपर चलते भी। तो गाइस देखिए कितने सीढ़ियाँ हैं, जो कि गिनती ही नहीं यहाँ की सीढ़ियों की। तो लगभग गाइस 1.5 घंटे को होने आया हमें, और 1.5 घंटे से चल ही रहे हैं, सीढ़िया ही चल रहे हैं 1.5 घंटे से, और बारिश अलग हो रही है। और आप गाइस यहाँ देखिए ये व्यू, यहाँ का कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे रास्ते में कुछ दुकानें वगैरह भी है, जैसे कुछ लेना हो यहाँ पे, और होटल वगैरह भी है अगर कुछ खाना हो तो, नाश्ता वगैरह करना हो तो। यहाँ पे जगह जगह पे होटल वगैरह भी है, और ऐसे दुकान लगा रखी छोटी छोटी सी, ये रास्ते में ही है सीढ़ी, सीढ़ियों के रास्ते में ही बनी हुई है सारी दुकानें। ये यहाँ का जो व्यू है वो इस तरह का व्यू है, पीछे जो पूरा है पहाड़ है यहाँ का। और अब थोड़ा बारिश कम हुई है गाइस, अभी बारिश बंद ही हो गई, बिल्कुल बंद ही हो गई, अब तो इतना ऊपर आने के बाद जो है बारिश अब बंद हुई है, और अब यहाँ से भी और ऊपर चढ़ना है गाइस। ओहो, रास्ता देखिए गाइस, ये सीढ़ी है जो कि हम चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, और इस तरह की सीढ़ी है जो कि पत्थर ही पत्थर पड़े हैं रास्ते में, और बारिश की वजह से यहाँ पे कीचड़ की तरह अलग हो रहा है, फसने का डर है। अच्छा व्यूज देखिए गाइस, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं पूरा हरा पहाड़ है, और भी ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ का जो व्यू होगा वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो चढ़ते गाइस थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। गाइस अभी हम यहाँ पे पानी पिएंगे, क्योंकि बहुत थक चुके हैं, ऊपर चढ़ के आए हैं, तो फिर भी साथ में ये फिलहाल बैग अब मैंने टांग लिया है, अब यहाँ से ऊपर तक फिर मुझे लेके जाना है बैग। तो गाइस अभी 11:30 बज चुके हैं, और अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम पहुँचे ही नहीं है। इस तरह की यहाँ पे जगह जगह पे कुछ दुकानें वगैरह बनी हुई गई, अगर कुछ खाना पीना कुछ लेना आगे भी और ऊपर चढ़ते हैं, ये काफी ऊपर चढ़ना है अभी तो। आप देख रहे हो गाइस यहाँ से
वहां तक जाना गाइस अभी हमें, करते गाइस जल्दी जल्दी ऊपर। हमें माता को चढ़ना है जो कि थोड़ा सा रास्ता और बचा है। अभी 12 बज चुके गाइस, लेकिन हमें थोड़ा और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऐसी जगह है ये जो यहाँ पे अगर 1 रुपया डालते हैं अंदर और उसके बाद यहाँ पे कान लगा के सुन रहे गाइस, आपको लग रहा हो क्या कर रहे हैं यहाँ पे गाइस। घोड़े की चलने की आवाज़ अपनों को सुनाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि घोड़े की चलने की आवाज़ आ रही है गाइस यहाँ पे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, सब लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पर ये आवाज़ सुनने के लिए आपको एक तरफ से कान ऊपर से हाथ नहीं रखना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तब जाके आपको जो घोड़े की चलने की आवाज़ है वो सुनाई देती है। फाइनली और यहाँ से सब कुछ दिखता है गाइस, यहाँ पे चारों तरफ देखिए पूरा अजमेर आपको दिखेगा यहाँ से।